हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आपके किसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, SSC CGL Tier 1 2020 एग्जाम से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कुछ आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, आप लोगों को मैं अलर्ट करने आया हूँ एंड इसके साथ साथ कुछ आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बारे में बात करने आया हूँ। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक चीज़ को। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में। और सबसे पहले मैं आपको अलर्ट कर दूं, सावधान कर दूं, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम पेपर में बैठ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आपको यहां पर गलतफहमी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सी ज्यादा आपको फर्जी वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। कहने का मतलब आपको बोला जा रहा है आज 2 मार्च है, प्रथम पाली का पेपर ओवर हो गया है, आपके क्वेश्चन जे आए, ऐसे आए प्रश्न आपको यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है। इससे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम पे इफेक्ट पड़ सकता है। ना जाने कहाँ की क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आज आपका पेपर हुआ नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज 2 मार्च को आपका कोई भी पेपर नहीं है, 2 मार्च में किसी भी प्रकार का आयोजित नहीं हुआ आपका पेपर SSC CGL आपके Tier 1 का। आपका पेपर है कल से 3 मार्च से। कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर भ्रम हो सकता है, चूंकि पहले ऐसा था कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, बट आपके 3 से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, ना कि 2 से। यहाँ पर बिल्कुल 100% आप लोगों को फर्जी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करने आया हूँ, सावधान करने आया हूँ, जिससे कि आपका आने वाले समय में यदि कोई पेपर है तो आप अपनी रणनीति चेंज ना करें, आप अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, आप इनके क्वेश्चन इनके झांसे में मत फंसें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फर्जी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इनसे सावधान हो जाइए। तो चलिए, पहली बात तो ये हुई, अब देखते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खासकर यह महत्वपूर्ण उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जो कि प्रथम बार इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, जिनको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसका फर्स्ट टाइम है। फ्रेंड्स, यदि आप दूसरी बार हो रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर इतनी यूजफुल नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप यदि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात क्या कि आपका एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में आयोजित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका मॉर्निंग में रहेगा एंड इसके साथ साथ दोपहर में और शाम, सुबह दोपहर शाम 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा एंड इसके साथ साथ आप एग्जाम सेंटर पर करीबन 1 या हाफ आवर पहले पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे या आधे घंटे पहले आपको पहुंचना जरूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, मेरा एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो मैं वहां पर करीबन 9:55 पर पहुंच जाऊंगा। और दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह आ जाते हैं, तो आपको वहां पर दोस्तों एंट्री नहीं मिलती। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती ना करें, यह आपके लिए बेहद घातक हो सकती है। आपका जो एग्जाम सेंटर है, हो सके तो आप उसको आज ही बिल्कुल ट्राई कर लें वहां जाके, यदि पास में है तो, क्योंकि दोस्तों आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। वहां आप जाएं, थोड़े घूमें फिरें, आपको वहां का माहौल से एक जुड़ाव सा हो जाना चाहिए, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और दोस्तों, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करना कि आपका एग्जाम 10 बजे है और आप घर से निकल रहे हो 9:30 बजे, पता चला कि आपका ऑटो ही नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप वहां पे सेंटर टाइम से ही नहीं पहुंच पाए, तो दोस्तों आपका 1 ईयर 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए ये मिस्टेक्स ना करें, यह मैं प्रथम बार जो शामिल हो रहे हैं उन कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा। अब दूसरी चीज क्या कि दोस्तों, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप सुरक्षित रख लें, उसको गुमाए नहीं, क्योंकि उसके बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। एंड इसके साथ साथ आप लोगों को एक ओरिजिनल आईडी के रूप में कुछ भी हो सकता है आपका, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी जो हो आपके पास अवेलेबल उसको ले जाए, बट ओरिजिनल और जिसमें आपकी फोटो होना अनिवार्य है। एंड इसके साथ साथ आपने जो फोटो लगाए थे फॉर्म फिलअप के वक्त, आपको वो वाली फोटो भी एक ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, वो ले जाइएगा, क्योंकि यदि वहां पे लगने लगी तो आप वहां पे प्रोवाइड करा सकें। बाकी इन चीजों का ध्यान रखना, जाने से पहले आपको करीबन आधे से 1 घंटे पहले वहां पर उपस्थित होना है।
और इसके साथ साथ दोस्तों आप कुछ नया बिल्कुल ना पढ़ें, मतलब कल आपका पेपर है, आपने अभी तक जो पढ़ा है वही पढ़ें, उसी को रिपीट करें, नया कुछ ना डालें दिमाग में, क्योंकि नया पढ़ने से वो आपको लाभ देने वाला नहीं। हाँ, यदि कुछ न्यू पढ़ रहे हैं तो आप अभी करंट अफेयर्स पर फोकस करें, उससे आपके क्वेश्चंस आपको लाभ दिला सकते हैं। बाकी मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, यहाँ पर आपको बिल्कुल नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो पढ़ा है उसकी आपका रिवीजन करना है और कुछ नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पर नया पढ़ने की गलती नहीं करनी है। एंड इसके साथ साथ दोस्तों बोलना चाहूंगा कि आपका जो पेपर है 10 बजे से, तो आप हो सकता है दोस्तों आप वहां पे सेंटर में पहुंच जाएं, तो अपने माइंड को कूल रखें, ना कि टेंशन लें। जी दोस्तों, यदि आप टेंशन लेंगे तो आपके पेपर बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टेंशन माइंड आपका अच्छे से काम नहीं करता, आप अपना पेपर खराब कर लेंगे। इसलिए बिल्कुल कूल माइंड से जाएं, कोई टेंशन नहीं, जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ आएगा, इसी के अंदर से आएगा। ओके, तो आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है, एंड इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको हेजिटेशन किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यदि आप फर्स्ट टाइम वहां पे जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आपको कोई मिस्टेक्स आती है, फॉर एग्जाम्पल माउस काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं, साफ साफ हर एक चीज पूछ सकते हैं। वहां पर बाकायदा बताई जाती है आप पासवर्ड कैसे फिल करेंगे, हर एक चीज वहां पे समझाई जाती है, तो पूछ लेना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी क्या होता है, बहुत से कैंडिडेट को वहां पर टेक करने में प्रॉब्लम जाती है, माउस वर्क नहीं करता, वो बोल नहीं पाते, तो इसकी वजह से भी बहुत सारों का पेपर खराब हो जाता है। आगे पीछे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हर एक चीज वहां पे फैसिलिटी रहती है। आप यदि फर्स्ट टाइम है तो वहां पे बिल्कुल बेझिझक होकर आपको 5 से 10 मिनट पहले वहां पे बता दिया जाता है कि आप फर्स्ट टाइम है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना, और बाकी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, चलिए देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, कल आपका पेपर है, आपका पेपर 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग सेंटर जाएंगे और आपको लाइव इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लाइव रिव्यू देंगे, कैंडिडेट से बात करेंगे, कैसा रहा पेपर, कितने क्वेश्चन आए, कैसा लेवल रहा, आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे, हर एक चीज आपको बताई जाएगी, बाकायदा 100% ट्रू, कैंडिडेट के द्वारा कैसा रहा पेपर, डायरेक्ट लाइव रिव्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसकी टेंशन ना लें कि आखिरकार पेपर कैसा आएगा, क्या रहेगा, आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। बट हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और आपको यहाँ पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन चाहिए, तो बेल आइकन को प्रेस करना आवश्यक है, तभी आपको टाइम से इसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सुबह, दोपहर और शाम, दोस्तों वो तीनों क्वेश्चंस का हम लोग पॉसिबल हो सकेगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सुबह, दोपहर, शाम में जो जो क्वेश्चंस आएंगे, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी। बट वही क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो कि आए हैं और जो कैंडिडेट बताएंगे, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे कि मैंने बोला है। और आप लोग कमेंट्स करके डाउट्स पूछ सकते हैं और भी कुछ डाउट हो तो। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा, आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, आपने कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, कॉन्फिडेंस में रहना, क्योंकि आप किसी को एक बिल्कुल इतने जल्दी जज आपको कोई नहीं कर सकता। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, उनका पेपर आने वाला है, उनसे किसी ने क्वेश्चंस पूछ लिया तो उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे लो हो गया। कहने का मतलब, अपने आप को किसी ऐसे से बात नहीं करना जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो सके। आप एग्जाम सेंटर जाएंगे, कूल माइंड से बैठना है, फ्री, आपको यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना, ना किसी से ज़्यादा बात करना है, जब तक कि आपका पेपर हो नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम के पहले का माइंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, आपने कुछ गलतियां की, तो आपका पेपर बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब आती है क्या खाएं क्या पिएं। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको कुछ ऐसा भारी हैवी फूड नहीं खाना जिससे कि आपको वहां पर प्रॉब्लम जाए, क्योंकि ज्यादा हैवी फूड खाने से आपको आलस आएगी, आपका पेपर में मन भी नहीं लग सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको हल्का फुल्का खा के जाना है, हो सकता है आप बिस्किट वगैरह जो कुछ लेना चाहें वो ले लें, बट आपको ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना है ना। तो फ्रेंड्स बस यही सब बोलना चाहूंगा। ओके, अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स कमेंट्स से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर,
लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।